हाय गाइस, सो ईस्टर आने वाला है तो मैं थोड़ी सी घर के लिए डेकोरेशन करना चाह रही थी और थोड़ा सा कोशिश कर रही थी कि कुछ अच्छा सा कोई डेकोरेशन पीस ईस्टर एग के साथ बना के रखा जाए। सो मैंने कुछ चीज़ें खरीदी हैं, बेटी के साथ गई थी, कुछ स्टिकर लेकर आई हूँ और उसके साथ साथ मैं एग्स का एक पैकेट लेकर आई हूँ। ये प्लास्टिक एग्स है। प्लान ये है कि इसके अंदर हम एक चॉकलेट डालें और या तो इसको हंटिंग के लिए रखें या फिर इसी बास्केट के अंदर हम इसको सेट करके रखें। यही फ्लावर सन फ्लावर टाइप के कुछ थोड़े से मैं फ्लावर्स लेकर आई हूँ जिसके साथ मैं चाहती हूँ कि हम इसको डेकोरेट करें। और इन्हीं एग्स के अंदर डालने के लिए मैं चॉकलेट का एक टॉफ़ीज़ का एक पैकेट लेकर आई हूँ जो इसमें से हम जितनी भी हमने यूज़ करनी होगी एक एक एग के अंदर अगर एक एक या दो दो भी जाएंगी तो हम इसके अंदर इसको यूज़ कर लेंगे। और ये मेरी बास्केट है, इसके नीचे हम ये पेपर्स बिछाएंगे, ये कटे हुए पेपर्स आप घर पर भी लाकर भी आप टिश्यू पेपर को कलरफुल जो टिश्यू पेपर्स होते हैं उसको काट कर भी आप बना सकते हैं। इसके साथ साथ अगर नहीं भी होता तो आप इसको बना बनाया पैकेट भी मिल जाता है। अच्छा, एग्स को डेकोरेट करने के लिए मैं ये छोटे छोटे से स्टिकर्स भी लेकर आई हूँ। ये पफ जो एक पेपर होता है उसके साथ ये कुछ शेप्स बनी हुई है, तो डक जो बेबी डक्स होती हैं उसके फेस बने हुए हैं जो हम इन एग्स के ऊपर लगा कर किसी तरह से भी डेकोरेट करते हैं। तो स्टे विद मी और आप देखें कि मैं आज काम करवाने लगी हूँ अपनी बेटी से और मेरे साथ वो इस बास्केट को हम डेकोरेट करेंगे और इस बास्केट के अंदर फिर हमने छोटे एग्स के साथ हमने इस बड़े एग को भी डेकोरेट करना है। और घर के लिविंग रूम के किसी भी साइड पर जब तक ईस्टर होगा तब तक हम इसको डेकोरेट करके रखेंगे। ओके गाइज, साथ साथ मैं ये बताती चलूँ कि ईस्टर एग का मतलब क्या होता है और ईस्टर क्यों इसको ईस्टर के टाइम पे हम एग्स ईस्टर एग्स क्यों एक दूसरे को एज ए गिफ्ट देते हैं या फिर इसका क्या मतलब होते हैं, क्या मीनिंग्स होते हैं। बेसिकली एग जो होता है वो एक नई जिंदगी होती है। जिस तरह से एक बेबी चिकन एक जब बोन उसका वो एग के अंदर होती है, वो शेल के अंदर होती है और उस शेल को वो तोड़कर बाहर आती है, तो ईस्टर हमारे लिए बिल्कुल इसी तरह से है कि हमारा एक नया जन्म होता है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इसलिए एग्स को हम एज ए गिफ्ट एक दूसरे को देते हैं। जैसे क्रिसमस पर हम लोग चॉकलेट्स देते हैं, केक देते हैं, तो ईस्टर एग का भी कुछ ना कुछ मीनिंग्स होते हैं कि ईस्टर एग ही क्यों दिया जाता है। तो आई थिंक सो होप के आप मैं एक्सप्लेन कर सकी होंगी अच्छे से और आप समझ चुके होंगे कि बेसिकली एग्स देने का क्या मतलब है। तो चलें स्टार्ट करते हैं।